अगर आप रोज रोज वही सब्जियां खा के बोर हो गए हैं तो ये सब्जी आपके लिए है। आज मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी बेसन की सब्जी जो मुंह में जाते ही घुल जाती है। चलिए तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। मज़ेदार और टेस्टी सब्जी बनाने के लिए लेंगे हम यहाँ पे एक कटोरी बेसन। हमने यहाँ पे पतला वाला बेसन यूज़ किया है। अगर आपके पास मोटा है तो उसे आप छान लें, क्योंकि आज की जो रेसिपी है ये पतले वाले बेसन से ही अच्छी बनती है। इसे चटपटा बनाने के लिए हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। अगर आपको तीखा ज़्यादा पसंद है तो हरी मिर्च की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा कर दी। 2 चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, थोड़ी सी धनिया पत्ती और इसमें मोयन के लिए 3 चम्मच तेल डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तेल डालने से जो हम टिक्की बनाएंगे वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। हमें मोयन को इस बेसन और मसालों में अच्छे से मिक्स करना है। बेसन का मोयन ठीक है कि नहीं इसके लिए हम बेसन को मुट्ठी में इस तरह से दबाएंगे। अगर ये बंद जा रहा है और टूट नहीं रहा है तो इसका मतलब है कि बेसन में मोयन एकदम परफेक्ट है। अब हम बेसन में 1 से 1.5 चम्मच पानी का डाल देंगे और इसका एक सख्त डो बना लेंगे। बेसन का डो बनाते समय आप पानी 1 या 1.5 चम्मच करके ही डालें, क्योंकि बेसन पानी ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं करता है और ये गीला हो जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1.5 चम्मच पानी डाला है और यह डो बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम एक चकले पे बेसन के डो को हल्का हल्का इस तरह से मसल लेंगे। इससे जब हम बेसन की टिक्की बनाएंगे तो ये टूटेगी भी नहीं और सॉफ्ट भी बनेगी। तो अब ये डो अच्छे से मैश हो गया है। अब हम इसे बेल लेते हैं। इसे हम बिल्कुल हल्के हाथों से ही बेलेंगे और इसे गोल गोल घुमाते हुए चारों तरफ बेल लेंगे। हम इसे ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, इसकी थिकनेस हमें 1/2 इंच जितनी रखेंगे। इस रेसिपी में हम टिक्की को इसलिए मोटा रखते हैं कि जब ये फ्राई होके ग्रेवी में जाती है तो और फूल जाती है तो इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि आप 3 की जगह 5 रोटियां खा जाएंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर बनाएं और मुझे बताइएगा कि किसने किसने रोटियाँ ज़्यादा खाई। इसे हमने अच्छे से बेल लिया है, अब हम इसे कटिंग कर लेते हैं। पहले हम 1-1 इंच की चौड़ाई में इसे कटिंग कर लेंगे और फिर दूसरी साइड से इसे बराबर बराबर इंच में काट लेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक टिक्की बनके तैयार हो गई है। इसकी चौड़ाई भी आप देखिए। इसी तरह हमने सारी टिक्की की कटिंग कर ली है, अब इसे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए एक पैन में तेल गरम कर लिया है और उसमें अब हम टिक्की डाल देंगे। हम एक साथ ज़्यादा टिक्किया को डाल के नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो ये टूट जाएगी। टिक्की डालने के बाद हम इसे 2 मिनट तक टच नहीं करेंगे और उसके बाद इसे पलटा लेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। मुझे इसी पैन में ग्रेवी बनानी है, इसलिए मैं तेल गरम करके इसी में टिक्की फ्राई कर ले रही हूँ। लेकिन अगर आप चाहें तो इसे अलग कढ़ाई में भी फ्राई कर सकती हैं। हमें इसे फ्राई करते समय गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे ताकि ये बिल्कुल अंदर तक फ्राई हो जाए। अब ये गोल्डन ब्राउन हो गई है और मुझे इसे फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लग गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसे सिंधी लोग बेसन की टिक्की ग्रेवी वाली बोलते हैं, लेकिन आपके यहाँ इस रेसिपी को क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरह हमने दूसरा बैच भी फ्राई कर लिया है। अब हम ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए एक मिक्सी का जार लेंगे और उसमें 2 मीडियम साइज के प्याज जिसे हमने रफली चॉप कर लिया है डाल देंगे। साथ में इसमें 2 रफली चॉप किए हुए टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का और 7 से 8 कलियां लहसुन की और 1 चम्मच जीरा का डाल के इसे पीस लेंगे। अब ये मसाला अच्छे से पीस गया है, अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। ग्रेवी के लिए एक पैन में 2 से 3 चम्मच तेल डालकर गरम कर लेंगे और ये पीसी हुई प्यूरी डाल देंगे और फिर हम इसे मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक मसाला तेल न छोड़ दे। हमें भूनते हुए इसे 3 से 4 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से भून गया है, तो इस टाइम पे हम इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच नमक डाल देंगे और इन मसालों को 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे।
मसालों को भूनते हुए हमें 2 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से भुन गया है, तो इस टाइम पे हम इसमें आधी कटोरी पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी मटर डाल देंगे, हमने यहाँ फ्रोजन मटर यूज़ किया है, और इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। हमें इसे भूनते समय गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। अब इसमें 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे चलाते हुए मिक्स करेंगे। हम मटर को मसालों के साथ 3-4 मिनट तक और भून लेंगे ताकि मटर का कच्चापन पूरा निकल आ जाए और उसमें मसालों का स्वाद आ जाए। मटर अच्छे से भून गए हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है, तो इस टाइम पे हम इसमें 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, और इसमें 1 उबाल आने पर जो हमने टिक्की फ्राई करके रखी थी उसे डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। ग्रेवी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकती हैं। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो इस टाइम पे इसमें पानी और ज़्यादा बढ़ा लीजिए। अब हम इसमें थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल देंगे और साथ में 1 चम्मच सब्जी मसाला डाल देंगे और इसे ढक देंगे और 2 मिनट के लिए इसे उबाल लेंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब ये सब्जी बनके तैयार है, इसे गरम गरम सर्व करें। इसे आप रोटी, चावल या फिर पराठे के साथ भी खा सकते हैं। किसके किसके घर में ये वाली रेसिपी बनती है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ।